महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जनूबी पंजाब भर में रमजानुल मुबारक की 27वीं शब लैलतुल कदर निजावले नजूल कुरान और मगफरत की राह, तिलावत कुरान पाक और नफली इबादत के लिए खसूसी इंतजाम, फर्जंदान तौहीद कुर्ब इलाही के लिए रात भर खसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मसाजिद को बरकी कमकमों से सजा दिया गया, महाफिल सजेंगी, रहमतें बरकतें बख्शिशें मांगी जाएंगी। सूरज और बिजली की लोड शेडिंग का एहकाम जनूबी पंजाब के बासियों के लिए अजाब बन गया। शहरी इलाकों में 10 और दही इलाकों में 14 घंटों की लोड शेडिंग। मुल्तान, डीसी खान, मुजफ्फरगढ़, कहरोड, पक्कर, कोटचूटा की आवाम आग बगोला हो गई। शहरी बिल बिला उठे, मैपको हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बिजली कोई नहीं, 12-12 घंटे जिया साढ़े काम कारोबार घेरे हुए बंद है। नवी हुकूमत बनी है, सारा अपील बिजली पूरी कर रहे हैं, बाल रोवे पे रख जाए, सारा नहीं काम करे तो मजदूर बंदे हैं। दो रमजान मुबारक है, लोग रोजे के साथ होते हैं, लेकिन शहर भर में गैर लेने लोड शेडिंग दोनों की जारी है। जनूबी पंजाब में डीजल का बहरान, कोट मिठन में ट्रांसपोर्टर्स और किसान हुए हलकान, पेट्रोल पंप मालकान की चांदी हो गई, मनमाने रेट्स पर डीजल की फरोख्त जारी। उधर चौक सरवर शहीद में जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां, दो पेट्रोल पंप सील करके जुर्माने भी आयद किए। हमजा शहबाज की खिलाफ बर्दारी के खिलाफ हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर, तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने फैसला चैलेंज कर दिया। हमजा शहबाज वजीर आजम और सदर को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। नौमते ही वजीर आला का हलफ मैंने नहीं लेना, हलफ लेने का आईनी और कानूनी तरीका है और वैसे ही हलफ हो सकता है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की मीडिया से गुफ्तगू, सहाफी ने पूछा क्या आप कोई निगरान कबीना तश्कील देने जा रहे हैं? उस्मान बुजदार ने कहा आप कानून बताएं, अगर कानून इजाजत देगा तो जरूर बनाऊंगा। पंजाब में बलदियाती इंतहाबात के खिलाफ हुक्म इम्तनाई, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में लोकल गवर्नमेंट इंतहाबात न कराने के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाप्त। 6 जून तक मुलतवी इलेक्शन रोकने के हवाले से पेंटेशन प्रिंसिपल सीट भी दायर हो चुकी है। AOS प्लस कैटेगरीज के स्कूलों के लिए थ्रेट मौसूल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के स्कूलों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को मरासला जारी, तमाम फोक पर्सन को स्कूलों में किसी भी अजनबी को आने से रोक दिया गया। स्कूलों में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा का डॉटफुल का दौरा, डिप्टी कमिश्नर के हमरा यादगार के तामीराती काम को मुआयना किया, ठेकेदार को खामियां दूर करने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। उधर कमिश्नर डीसी खान ने अलीपुर रमजान बाजार का दौरा किया, डीसी मुजफ्फरगढ़ के हमरा सहूलियात का जायजा लिया। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी, जनूबी पंजाब के बाजारों में रश लग गया, कहीं खरीदारी तो कहीं बहसों तकरार। खवातीन को भी मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश, डीजी खान में मुख्तलिफ इकसाम की चप्पलों की मांग में इजाफा। रंगली मेहंदी खवातीन की तवज्जो का मरकज, बच्चे और बच्चियों को भी जोशो खरोश दीदनी। ईद करीब आते ही दर्जियों के पास भी हाउसफुल, मुल्तान में दर्जियों के पास सिलाई के कपड़ों का ढेर लग गया, दर्जी नित नए डिजाइन के कपड़े सिलाई करने में मसरूफ। कहते हैं चांद रात तक कपड़े सिलाई करके वापस करना बहुत बड़ा इम्तिहान है। ईद तातीलात में ऑनलाइन बैंकिंग जारी रहेगी, स्टेट बैंक की हदायत पर हफ्ते को प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे, शहरी हफ्ते को भी लेन देन कर सकेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज शुजाबाद का एहसास, होनहार तलबा कमल इकबाल ने एडीएस प्रोग्राम में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कमल इकबाल का हुकूमत से 4 साल प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा।
वर्ल्ड सेफ्टी डे, रहीम यार खान रेस्क्यू के जेर एहतमाम आगाही वॉक, रेस्क्यू समेत हर शहरी को पेशावरान अमूर के दौरान अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाने की हिदायत की। और मुल्तान में दरबार मौलाना हामिद अली खान पर इफ्तारी का एहतमाम, अंजुमन ताजरान के सदर शेख अकरम हकीम, मियां नासिर अली, साबिक डिप्टी मेयर मुनव्वर अहसन कुरैशी, लीगी रहनुमा शेख हावर अकबर, मलिक नासिर डोकर समेत सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तारी के एहतमाम रिटायर्ड ऑफिसर नेशनल बैंक मोहम्मद असलम कुरैशी के एसाले सवाब के लिए किया गया।